गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा रेसिपी जो खाने में टेस्टी ही नहीं विटामिन सी से भरपूर है। इसके लिए पहले तो हम एक कैरी लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा खट्टा मीठा सा कैरी ले रही हूँ और उसे हम अच्छे से धो लेंगे पानी से। फिर हमें चाहिए होगा नमक। यू कैन रिप्लेस दिस विद ब्लैक सॉल्ट। हमें गुड़ चाहिए होगा। आपके पास नहीं है तो आप शुगर यूज़ करें। इसके बाद मैं यहाँ पर चिली ले रही हूँ फॉर एडिंग स्पाइसीनेस। मैं यहाँ ले रही हूँ लेमन लीव्स। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसीलिए मैं दो ही लीव्स ले रही हूँ। बट आई एम एडिंग जस्ट टू एड ए वेरी नाइस फ्लेवर टू दिस सैलेड। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें। ये गांव में बहुत यूज़ किया जाता है। चलिए आप इस टेस्टी सैलेड को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले तो हम कैरी के छिलके को निकाल लेंगे पीलर की मदद से। इससे बहुत ही फास्ट छिलके निकल जाता है। देखिए कितने अच्छे से निकल गया। अब मैं सर्विस स्टेशन को भी साफ कर लेती हूँ, इससे काम करने में आसानी होगी। अब मैं छोटे छोटे करके चिली को काट लेती हूँ। और कैरी को ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर की मदद से। दिस विल टेक सम टाइम। ये प्रोसेस करते वक्त ध्यान रखें अपने हाथों का, एज इट इज़ वेरी शार्प। देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। इसी तरीके से हमें पूरे कैरी को ग्रेट कर लेना है। ये देखिए सारे आम निकल चुका है, अब सिर्फ गुठली रह गया है। ये हमें नहीं चाहिए। अब हम ग्रेटेड कैरी में कटे हुए चिलीज को डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इस पे आप गुड़ को ऐड करेंगे, फोर टेबलस्पून के करीब। इसके बाद मैं सॉल्ट ऐड करूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर मैं लेमन लीव्स को कैंची की मदद से काट लूंगी स्मॉल पीसेस में। लुक एट दिस सैलेड, लुक्स सो टेम्पटिंग इजंट इट, एंड इट्स आल्सो गुड फॉर हेल्थ। इसमें विटामिन सी से भरपूर है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को और एंजॉय करें इस सैलेड को। ये सैलेड खाने में खट्टा मीठा होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।